ये बात तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वो सैमी जेन का वो जो ऑनररी ऊस वाला सेगमेंट तो रोमन रेंज के साथ में जब ऐसा लग रहा होता है कि रोमन रेंज सैमी जेन को निकाल देंगे, लेकिन उसी टाइम पर रोमन रेंज ट्विस्ट लाते हैं और वो ऑनररी ऊस की जो टी शर्ट है वो देते हैं सैमी जेन को। तो सैमी जेन को क्या पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाली है और एक्चुअल में इस चीज़ को फैंस बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे? इसके बारे में सैमी जेन ने क्या कहा। सैमी जेन कहते हैं कि देखो, मैं तुमको आंसर तो ये भी दे सकता हूँ कि नहीं, हमने सोचा नहीं था कैसे हो सकता, लेकिन एक्चुअल में हमने ऐसा सोचा था कि अगर इस सेगमेंट को हम अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं तो ये WWE के मेमोरेबल मूवमेंट्स में से, फिर मेरे मेमोरेबल मूवमेंट्स में से तो हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा अच्छा स्टफ WWE के अंदर चलता है, तो उसमें से बिल्कुल स्टैंड आउट करना, बिल्कुल एक ऐसी चीज़ लेके आना जिसको फैंस लंबे टाइम तक याद रखें, वो करना मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि हमने सारी चीज़ पहले से सोची हुई थी कि अगर अच्छे से पुल ऑफ होता है तो फिर ये होगा सही, और वैसा सैमी जेन ने किया भी, तो कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर लिया था उन्होंने पहले से कि ये जो रिएक्शन है और इस तरीके से क्राउड जो है इस चीज़ को रिसीव करने वाला है। सैमी जेन के बारे में सिर्फ इतनी बात नहीं है, सैमी जेन के बारे में केविन ओवंस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है, और नेक्स्ट ईयर के एलिमिनेशन चेंबर में भी कुछ सैमी जेन के साथ हो सकता है। तो केविन ओवंस का यहाँ पर क्या कहना था, केविन ओवंस का कहना यह है कि बहुत जल्दी जो सैमी जेन है उनको मटेरियल देख रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, या फिर WWE चैंपियनशिप के लिए, या फिर जो भी वर्ल्ड टाइटल की वो बात कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन चेंबर मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाला है, और आपको पता है कनाडा के जो निवासी हैं वो सैमी जेन हैं, और जिस हिसाब से भी ओवर चल रहे हैं सैमी जेन, आपको पता है WWE वो चीज़ करती है जिसके पीछे लोग लगे हुए होते हैं, यूजुअली कहूंगा, मैं हमेशा नहीं कहूंगा, WWE उसको और ज्यादा अटेंशन दिलवाती है। तो सैमी जेन के लिए परफेक्ट प्लेस हो सकती है एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतना। ये अभी से सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो रेसलिंग गुरुज हैं वो ऐसे आइडिया लगा ही लेते हैं, और रेसलिंग गुरु होने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको रेसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ सालों का, तो देखने का कह रहा हूँ और करने का नहीं बोल रहा हूँ। तो ये इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर एक बहुत बढ़िया प्लेस हो सकती है सैमी जेन के लिए कुछ धमाका करने के लिए, क्योंकि वो मॉन्ट्रियल के अंदर है, और यहाँ से मुझे तो लग रही है वाइब्स अच्छी आ रही है सैमी जेन के फ्यूचर को लेके। अब देखते हैं चेंबर के अंदर, पहले तो बहुत दूर की बात है, एंटर होंगे जीतेंगे वो अलग बात है, बट हाँ अभी एक स्पेकुलेशन जरूर है कि शायद सैमी जेन के एलिमिनेशन चेंबर एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं WWE के एक और प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, हेल इन अ सेल के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि कैसे WWE प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर चेंजेस करी, मैंने आपको हेल इन अ सेल के बारे में बताया था कि इसको भी कैंसिल करने के प्लान्स हैं। तो अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कुछ पक्की रिपोर्ट आई है गिव मी स्पोर्ट और रसल वोट्स की तरफ से, और उनका कहना यह है कि ट्रिपल एच को हेल इन अ सेल जो स्टिपुलेशन है बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट कैंसिल कर रहे हैं। आप सोचोगे कि हैं ऐसा क्यों है, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो जो ट्रिपल एच उनका मानना यह है कि हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन को सिर्फ एक प्रीमियम लाइव इवेंट तक हम लोग लिमिटेड नहीं रखना चाहते, और क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लाइव इवेंट, एक स्पेशल शो है, तो ऐसे में फिर बाकी प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन कराने का थोड़ा सा सेंस नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो हेल इन अ सेल को कैंसिल ही कर रहे हैं कि ऐसा कोई एनुअल PPV होगा नहीं, बाकी हमको जब जरूरत होगी हेल इन अ सेल की हम इसको वैसे यूज कर लेंगे, कुछ ऐसा आइडिया ट्रिपल एच का। मतलब कैंसिल करना प्रीमियम लाइव इवेंट का मतलब ये नहीं है कि उनको पसंद नहीं है, उनको बहुत पसंद है, उनके दिल के करीब है, आपको पता ही है अंडरटेकर के साथ जो मैच था वो सारा सीन, फिर पुरानी हिस्ट्री तुमको पता ही है। तो ये कुछ अपडेट है हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर स्टिपुलेशन वाले मैचेस के बारे में। नेक्स्ट गाइस एक कंट्रोवर्शियल चीज की बात करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आजकल मुझे कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में बात करने में, और रिक फ्लेयर काफी कुछ कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, जैसे उन्होंने शार्लेट और बियांका को किससे कंपेयर कर दिया था, रॉक और स्टोन कोल्ड से। तो उनके अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस रोमन रेंज के आसपास भी नहीं है। अब आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन रिक फ्लेयर का कहना यह है कि सेथ रॉलिंस जो है बेस्ट कब था, जब वो आर्किटेक्ट था, लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है उसके साथ में, और मैंने ये देखा कि वो अपने आप को रोमन रेंज से कंपेयर कर रहा है, लेकिन मुझे दूर दूर तक भी ऐसा नहीं लगता। तो ये मानना है रेसलिंग लेजेंड रिक फ्लेयर का। आपका क्या मानना है, क्या ओपिनियंस है, क्या रीजंस है, मुझे आप लोग बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइज अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऑस्टिन थ्योरी के कैशन के बारे में भाई कितनी सारी बातें आ गई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने आपको क्या बताया था और कब क्या हो रहा है। कभी ये पता चलता है कि ऑस्टिन थ्योरी का कैशन फेल होगा, कभी पता चलता है कि उनका कैशन जो है होगा ही नहीं, ऑन द लाइन जाएगा, वो कोई और ले लेगा। अब रिपोर्ट क्या आई है, गिव मी स्पोर्ट और रसल वोट्स ने यहाँ पर एक कोलैब किया था उसमें, और ये काफ़ी रिलायबल मुझे सोर्स लगता है उनका। उनकी तरफ से कहना ये है कि ऐसा आइडिया पिच किया जा रहा है कि थ्योरी पहले वो सुपरस्टार होंगे जो कि बिल्कुल एंड मौके का वेट करेंगे पूरे एक साल का अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने के लिए, और कुछ स्टोरी ऐसी होगी कि अब थ्योरी के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं या फिर 90 मिनट्स बचे हैं अपने ब्रीफ केस को कैश इन करने के लिए। तो वो वाली जो फीलिंग है शायद WWE ऐड करने वाली है इस चीज़ के अंदर। बट अगेन एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट ये भी आई थी कि थ्योरी अपना मनी इन द बैंक ऑन द लाइन रखेंगे और उसके बाद वो हार जाएंगे किसी से, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को तो सही बताऊं तो ज़्यादा सेंस इस बात का बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर थ्योरी को जिताई है और लास्ट ईयर तुम ऑलरेडी वो ड्रामे कर चुके हो यार ओमेज और ओटिस वाला, तो अब ना ही करो तो तुम सही रहेगा। अब तुम सिंपली क्या करो, तुमको यही चीज़ ये स्टोरी काफ़ी सही लग रही है कि
काफी जल्दीबाजी में है थियरी कि उनको कैश इन करना है, कैश इन नहीं करेंगे तो फिर उनका ब्रीफ केस ही चला जाएगा, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। कितना अजीब लग रहा है कि एक साल बंदे ने पूरा लगाया और वो कर भी नहीं पाया। सोचो अगर ऐसा ही हो गया कि उनका वैसे इतना तो स्टूपिड नहीं करेगी WWE, बट जो भी है ऐसा कुछ अभी आइडिया चल रहा है। अभी पता नहीं भाई, ये कन्फ्यूजिंग सारी चीज़ चलती रहती हैं। मुझे जो जो पता चलता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तोमासो चांपा के बारे में अपडेट है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है तोमासो चांपा के साथ में। उन्होंने जो है सर्जरी वगैरह अपनी करवा ली, आप लोग इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ही उनकी डॉटर होंगी, वैसे मुझे पता नहीं है, बस आइडिया लगा। डॉक्टर के साथ वो यहाँ पर हैं और देख के साफ लग रहा है कि जो सर्जरी है वो काफ़ी अच्छी गई है एंड बहुत जल्दी उनकी रिकवरी एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। और मिस के साथ वो लास्ट टाइम अलाइन थे, अब देखते हैं जब वापस आते हैं ट्रिपल एच भी कंट्रोल में है एंड शायद बुकिंग अलग हो सकती है चांपा की, तो फिर कुछ और कमाल करें। लेकिन सर्जरी हुई है तो अभी रिकवरी में ठीक ठाक टाइम लग सकता है। वेड बैरेट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिंग के अंदर आएंगे, लेकिन फिलहाल WWE ने उनको स्मैकडाउन का जो है अनाउंसर कमेंट्री टेबल पर बैठा दिया है। अब वेड बैरेट का अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो शायद आपको इतना ऐसा होपफुल नहीं होना चाहिए कि वेड बैरेट कभी रेसलिंग रिंग के अंदर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं रिंग के अंदर आने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता, लेकिन ये मेरी लिस्ट में हाई प्रायोरिटी पे नहीं है कि मुझे रेसलिंग रिंग के अंदर आना है। उन्होंने कहा कि तुमको इसके लिए बहुत कुछ करना होता है, फिजिकली मैं फिट हूँ, बट फिजिकली फिट होना और रिंग के अंदर कंपीट करने में अंतर है। तो कुल मिला के वो यही कह रहे हैं कि कॉमेंट्री में उनका मज़ा आ रहा है, फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। अब ऐसा बंदा दो ही सिचुएशन के अंदर करता है, या तो सच में वेट बैलेट सही कर रहे हैं या फिर दूसरा वो इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रखना चाहते हैं चीज़ों को कि वो कभी कुछ चीज़ गिव अवे करे ही ना अपने से रिलेटेड, और अचानक से जब वो रिटर्न करे तो फैंस सरप्राइज हो जाएं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, अगर ये रीज़न है तो फिर ठीक है रिंग में देख लो, वरना वेट बैलेट के बारे में ऐसा कुछ खास उनके इरादे मुझे लग नहीं रहे कि उनका रेसलिंग रिंग में आने का कोई प्लान है। लोगन पॉल रोमन रेंज से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यूजुअली रोमन रेंज के बारे में बहुत सारी उल्टी उल्टी बातें कही हैं लोगन पॉल ने, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव साइड पे भी उन्होंने कहा है। आपको पता है मेवेदर के साथ जब उनकी फाइट हुई थी तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और जब मैं रोमन रेंज के साथ रिंग में उतरूंगा तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और मैं रोमन रेंज से काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ ताकि आगे जाके उस चीज़ को वो है ना अपने उसमें भी शामिल कर सकें। तो ये फिलहाल तो रोमन रेंज तारीफ़ें कर रहे हैं लोगन पॉल रोमन रेंज की, बट उन्होंने ये भी कहा कि वह ऐसी चीज़ें सीखेंगे ताकि अब जब वो WWE चैंपियन बनने वाले हैं तो उस रेंज में उनको ये चीज़ काम आए। तो सेम टाइम पर रोमन रेंज की तारीफ करते हुए ये भी इशारा कर दिया कि चैंपियनशिप तो रोमन रेंज तेरे पास से जाने वाली है। हालांकि मैं आपको ऑड्स बता चुका हूँ चैनल के ऊपर, पिछली वीडियो आप लोग देख लेना कि कौन इसमें फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, बट फिलहाल के लिए लोगन पॉल एंड रोमन रेंज के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले रॉ के एपिसोड में भी, क्योंकि रोमन रेंज वहाँ पर आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। एंड उससे पहले है ना कुछ बढ़िया करके और हाइप करके दिखा दे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। भाई बहुत वियर्ड है, एक बंदा WWE चैंपियन बनकर रॉबरी करता है वेपन लेके। अब क्या सीन है, टेक्सस के अंदर एक स्टोर के अंदर एक बंदा घुस जाता है, आप लोग इवन इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे ये बंदे ने चोरी चकारी कर ली है, लेकिन हाँ चोरी चकारी करी है, बेल्ट को पहन के आई थिंक ये टॉय बेल्ट है छोटी वाली, और साथ में वो गन वन भी लेके घूम रहा था और इस तरीके से उन्हें चोरी कर दिया। पता नहीं ये मतलब वो चोर के दिमाग में क्या घुसा होगा कि वो बेल्ट लेके चोरी कर रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई सच में वो बेल्ट बना के घूम रहा होगा, उसे क्या इंटेंशन थी ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये काफ़ी वियर्ड है कि एक बंदा टॉय वाली WWE चैंपियनशिप पहन के रॉबरी करने जाता है और वो CCTV कैमरास के अंदर भी कैप्चर है। हालांकि अभी इस बंदे को पकड़ा नहीं गया, सोच रहा होगा कि मैं ही WWE चैंपियन हूँ, मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, बट बहुत जल्दी पुलिस वगैरह इसको पकड़ ही लेगी। तो ये जो भी एक चोरी कोई बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ गन लेके चल रहा है बंदा तो वो काफ़ी अजीब सा है, वो भी WWE चैंपियनशिप पहने हुए। इमेजिन रोमन रेंज से सारी चीज़ देख रहे हो। आज की वीडियो गाइस यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।